जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अम्बाला के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मत्था टेकने आए हैं हम, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने चिड़िया से बाज लड़ा करके और पूरा एक इतिहास रचा, एक खालसा पंथ की स्थापना करी। और यही मैं समझता हूँ कि हौसला होता है, अच्छाई और सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे जज्बे के साथ हमें मैदान में उतरना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि अभी आपने एक बहुत बड़ी कमान संभाली है, अपना खुद का एक मोर्चा बनाया है, क्या कुछ कारण रहे और क्या कुछ एजेंडा उसका रहने वाला है? कारण तो आप सबको पता ही है कि जिस तरीके से लोग आज राजनीति में हैं, ना विचारधारा बची, ना सिद्धांत बचे, ना नैतिकता बची, ना ईमानदारी बची, और ना जज्बा है काम करने का, संघर्ष करने का। सरकार है वो लूटने खसोटने में लगी है, विपक्ष है उन्होंने पहले लूटा है तो आज वो साठ गांठ करके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जब तक इस देश के अंदर नया नेतृत्व तैयार नहीं होगा, अच्छा नेतृत्व तैयार नहीं होगा जो जज्बे और जुनून के साथ इस भारत को बनाना चाहता हो, बचाना चाहता हो, आगे ले जाना चाहता हो, तब तक ये नहीं होगा। और उसमें युवाओं से लेकर के महिला पुरुष, गांव देहात शहर सबकी ज़रूरत है और 36 बिरादरी की ज़रूरत है। वादों की बात करें, हर नेता बड़े बड़े वादे करता है और बनने के बाद वो वादे भूल से जाता है। ऐसे में क्या ऐसा आश्वासन है, क्या ऐसा एजेंडा है कि जनता वाकई में सोचे कि हाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम जुड़ सकते हैं या फिर कुछ अच्छा आने वाला है? देखिए, ये तो हमने कहा कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा तैयार किया हुआ मोर्चा, तो एजेंडा भी उन्होंने तैयार करना है सबने। अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है पूरे हरियाणा से, देश के अलग अलग हिस्सों से। और मोर्चा ये पूरा देशव्यापी मोर्चा है और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है हमने, लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ ला करके और उनके माध्यम से उनकी शक्ति का सदुपयोग किया जाए और उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि लोगों ने देखा है लड़ते भिड़ते कौन सही तरीके से ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है और कौन जो है फिरकापरस्ती, जातिवादी, सांप्रदायिक ताकतों के सामने झुका हुआ है। तो हम समझें कि अब आने वाले चुनावों के अंदर भी आपका मोर्चा जो है आगे नजर आएगा? देखिए, अभी ये तो हमने पहले ही कहा कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन मोर्चा है और मोर्चे का उद्देश्य ही है कि देश बचाना, देश बचाना, उसमें नया नेतृत्व तैयार करना, नया नेतृत्व भी देश को बचाएगा। तो जो अभी आगे भविष्य में जो चुनाव होंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छे साथी लड़ना चाहते हैं, मोर्चा उनकी पूरी मदद करेगा और नया नेतृत्व बुनियाद जिस पर भव्य इमारत आने वाले समय में इस देश और प्रदेश में बन सके वो सुनिश्चित करेगा। हम देख रहे हैं कि विपक्ष दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर बाहर की बात कर लें, क्या डर है विपक्ष को? कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे ही तो जनता से बेवफाई नहीं कर रहे। और कांग्रेस का तो हाल आप जानते ही हैं, सेल्फ सुसाइडल मोड में है ये। अब तो हालात ऐसे हैं कि अंदर और बाहर दोनों से, अंग्रेजी में कहते हैं कि इम्प्लोडिंग हो रही है। माफ़ी चाहूँगा पर जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है भविष्य, तो जब काम करने वाला ही नहीं बचे, भाजपा के साथ साठगांठ करने वाले उन लोगों को वहाँ पर महत्व दिया जाता है, तो उनका क्या होगा? वो तो जैसा भाजपा कहेगी वैसा काम करेंगे। और आने वाले समय में जो किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, जिन्होंने एक माहौल बनाया, वो मैं समझता हूँ कि वो तभी वो रहेगा जब ऐसे लोगों को वो लोग चिन्हित कर लेंगे और कुछ नया और बड़ा करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि उन लोगों के अगर ऊपर विश्वास करेंगे, वो तो भाजपा के सरेंडर लोग हैं और आने वाले समय में फिर उनके हितों के साथ समझौता कर लेंगे, उनकी सौदेबाजी कर लेंगे और ये धीरे धीरे हरियाणा का हर वर्ग पहचानने लगे। पेगासस ने किस तरह की जासूसी जिस तरीके से करवाई जा रही है उससे साबित कर दिया। और इसके बारे में संसद के अंदर सरकार चर्चा नहीं करवाना चाह रही और विपक्ष जो है चर्चा करना नहीं चाह रही है, तो इसीलिए मामला जो है क्यों जासूसी करवाई, क्या इसका मकसद था, क्या इससे देश को फ़ायदा होने वाला था, वो तो कहीं बातें हैं ही नहीं। तो ये तो गुजरात का जासूसी मॉडल है, पहले वहाँ चलता था अभी यहाँ चलता है,
ऐसे लोगों से सतर्क रहें। अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में जब तक हम सोचना नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम सच्चे हितैषी को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये मुल्क ऐसे ही लूटता और पिटता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे तमाम मुद्दों पर अशोक तंवर जी ने हमारे साथ बातचीत की। खबरें अभी तक से, मैं पंखिल वर्मा, धन्यवाद।